खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी ने जथेदार की सेवा से संभाल सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने सांभी आ। गुरु साहब ने कृपा की, पंथ ने सारे ने एकत्र हो के उन्होंने अज सेवा से सुशोभित किया। सिंह साहब को जिते बहुत बहुत बधाई दिना, उत्थे समुचे पंथ को भी बधाई दिना कि सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी बतौर पंज प्यारे, उस तो अलावा बतौर ग्रंथी से बतौर जथेदार श्री केसगढ़ साहब सेवा निभाते रहे। समा चुनौतियां भरा आ, पर इस समय के उत्ते मैं समझदा ठम्मे से सहज के नाल सिंह साहब योग अगवाई कर एक मैं, क्योंकि कई बार इन्हें गल् रह जा जेड़े असैम्बली दे विच ये कहिंदे सी कि असी पवित्र गुरबाणी घर घर पहुँचाउणी आ। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि जिस वेले भगत साहबाना दे नाम लाए वो बीटा रीटा करके लैंदे आ, गुरबाणी दी इह संदेश आ। धन गुरु पंजम पातशाह ने उन्हां भगतां नूं जी की करके कहा, तो ये असैम्बली दे विच हुण इदां पाउणगे प्रोटोकॉल कि जिदां किसे पिंड दे किसे छोटे बच्चियां दे नाम लैंदे आ, किसी ना भगत नहीं लाया। गुरु पंजम पातशाह ने गुरबाणी की जिते शुरुआत की बाणी भगत नामदेव जी की, बाणी भगत कबीर जीओ की, तो ये उत्थे की कर रहे हैं जिमें आप एक पहाड़ा पढ़ी दा, ये गुरबाणी का सत्कार आ। ये उन्होंने गुरबाणी रची आ जिन्हों का इनाम लै रहे थे। मैं कहना शर्म आनी चाहिए आ कि उत्थे गुरबाणी दीआं गल्लां करन वाले घर घर पहुँचाण वाले उत्थे असैम्बली दे विच इह सुनेहा दे रहे। सब तो भाड़ा साबत सूत दस्तार सिरा गुरु नानक देव पातशाह जी पवित्र गुरबाणी का कथन आ। मनुख साबत सूत ते सिर ते दस्तार होवे ते जिहड़े टांचां करदे दाड़ी ते ते फिर नाल भई दाड़ी बन्नी आ ते कदे खोली आ ते नाल एक्टिंग करके दसदे आ। मैं पुछदा ये उस पवित्र गुरु नानक देव पातशाह की गुरबाणी का वह निरादर तो नहीं कि साबत सूर दस्तार सिरा, इन्हें तो साबत सूरत कोई नहीं, तो दस्तारा भी सजाइया, वो दस्तारा भी दिखाने सजाइया आ, थले केस है नहीं। मैं समझना बड़ी बड़ी नहीं उदा उलंघना की आ, गुरमति उलंघना की, घर घर कह के ये गल कहनी कि असी घर घर च गुरबाणी पहुँचावे, असी भी पहुँचावे, असी सारा तय किया आ। पर यह मुद्दा जोड़ा आ, ये पंथक मुद्दा ये चाहते आ भी ये सारा असी लाहा ले लीए। और मैं एक होर जी बेनती करनी चाहना, अज कई बोलते आ कि श्री अकाल तख्त साहब ने दिशा निर्देश दिता सी, धामी ने श्रोमणी कमेटी को निर्देश दिता सी कि तुसी ये चैनल चलाओ जी आया नूं, असी बिल्कुल धन्यवाद करते सिंह साहब का उहदे लई लगे हां। तो सिंह साहब ने एक आदेश इन्हां नूं भी किया सी कि जिहड़े बंदी सिंह आ पंजाब की सरकार ये भी छड़ाओ, तो मता उस असैम्बली लै आते जे जुड़ते आ, फिर उत्थे क्यों नहीं मता लिया। मैं इन्हां नूं पुछना चाहना कि जे बल्ले हैगे उत्थे दे भगत पंजाब दे, ते फिर अपने सरदार सुरिंदरपाल भुल्लर जेड़े उत्थे अपने 28-29 साल की सज़ा भुगत रहे हैं, तो इन्हां दे लाला जी साइन क्यों नहीं करते उहदे ते? ये कीड़ी आ, ये अकाल तख्त की मर्यादा की लंघना नहीं? इन्हां नूं निर्देश नहीं दिते? सिंह साहब ने पिछले इतने महीने वो डिब्रूगढ़ वालिआं ने भी संदेश दिते सी, 27 बच्चे अज बेकसूर इतने अमृतसर जेल च आ, होरना जेलों च बैठे आ, सानू दसदे आ ये गल, ये कह के भई जेड़े मैं किसी का नाँ नहीं लैना पर बोलन लगे सोचा करो 100 बारी। उत्थे तुसीं असैम्बली च निरादर किया भगतों का जिन्हां की गुरबाणी गुरु पंजम पातशाह ने त्रुट करके सिख हर वेले सवेरे अमृत वेले उठ के नमस्कार करता, तो थानू शर्म ना आई नाँ लैन लग्यां नूं? तुसीं उन्हां दा भगत नहीं ला सके, सत्कार नहीं भेट कर सके? तो दाड़ा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ककार के तौर पर साब कसूर सिख होना चाहिए, तो तुम फिर टांचा करोगे उत्थे असैम्बली के गल करोगे? मैं चाहता नहीं सी बोलना पर मैं हुण मजबूर होकर बोलना पिया, जैसे को तैसा भी हो जाता, एक बार टैट भी हो जाता, इदा दी गल्लां ना करो। उस तो बाद जिहड़े डिब्रूगढ़ वाले आ उन्हां दे अकाल तख्त ने संदेश दिता सी उन्होंने सरकार ने, उहदे ते भी चुप बैठे। इस तों इलावा एक वड्डी गल मैं होर करनी चाहुंदा, सुप्रीम कोर्ट का आसरा लैके ये कह रहे जी असीं पंजाब दा एक्ट जिहड़ा आ उहदी तरमीम करती, तो उस असैम्बली दे विच डी जी पी लई एक उत्थों सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई
कि सेंटर सरकार जिहड़ी आ ओह सेंटर सरकार नू तीन मैंबर पाउणगे ते अपने हर एक स्टेट उन्हां नू भेजूगी। कोर्ट दी सौटी बदल गई, साडी बार नू सौटी आ जिहड़ी कि रैलीमेंट ने इस तक मुंडे रद्द कर दित्ता। सो मैं जिहड़ी कि रैलीमेंट ने इस तक मुंडे रद्द कर दित्ता। सो मैं ये कहना चाहुंदा पंजाब दे लोकां नू गमराह ना करो, बड़ी सियासत तुसीं पीटीसी दे नाते सेध लई जाओ। साडा पीटीसी नाल कोई जाति अदरवाइज कोई है नहीं उहनां दे नाल। असीं तां पहला साल कह चुके सी ते साल ते असीं अपने कार्ज भी शुरू कीते होवा। सो तुसीं मोर खिच्चण नूं अज समुच्चे पंथ नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा, ये जालां तुहाडियां किसे वेले इहनां ने पंथ नूं खज्जल खुआर करनगियां। बाहर बैठे मूर दर्शक बन के ये ना कहो, इन्हां नूं कहो वी असैंबली दे विच बंदी सिंह का मता भी लिया। डिब्रूगढ़ वाले जिहड़े एन एस ए कन्फर्म कीतियां 11 जने आ, उन्हां दी एन एस ए नहीं कन्फर्म कीतियां स्टेट ने, फिर दोहरा मापदंड जिहड़ा उस तों इलावा जिहड़े बंदी सिंह बैठे, बाबू सूरत सिंह बैठा वो कहिंदा मैनूं मंजे ते बैठ के इसे भगवंत मान ने कहा सी बापू सरकार बना दे 24 घंटे च बंदी बाहर आउणगे, वो कहिंदा एक बारी मेरे कोल तां आवे। तो हर बारी झूठे बोली जाना, हर बारी टिचरें करी जानियां। धामी ने वकालत कितों की, मैं तो वकालत गंगानगर तो की, तस्दीक कर ला तू अपन भी तस्दीकां करके दस दे। तू एक्टिंग एक्टिंग प्रधान दसी जाना, तेरा कानून आ, कानून तो सेंटर का, तो एक्टिंग किदां हो गया। इस करके मर्यादावां दा जिहड़ा आ उलंघन ना करो, कौड़े बोल बोलोगे मेरा सुभाअ नहीं बोलण दा, पर मैनू 45-43 साल इसे काम च पए नू हो गए आ। तर्स करो पंजाब नू शांति दे माहौल दे विच जीण दिओ, इहो जिहियां गल्लां ना करो जिहड़ियां कौड़ियां होण। इन्नी बेनती करके अंत फिर श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार ज्ञानी रघवीर सिंह नू बहुत बहुत बधाई दिंदा, कामना करदा सतगुरु जी पंथ नू सही सेध योग अगवाई बख्श कर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ।